Hello to all my beautiful and lovely people out there. A very warm welcome to my channel. I hope you all are doing great. Guys, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ Lakme Absolute Argan Oil Serum Foundation का. Yes, you heard it right. It is an argan oil plus serum foundation, which makes it really exciting. So, इस वीडियो में मैं इस फाउंडेशन के बारे में डिटेल में रिव्यू करूंगी, ये बताऊंगी कि किस स्किन वालों को ये सूट करेगा एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. थोड़ी सर्दी हो रखी है तो अगर आवाज में थोड़ी ऊपर नीचे ऐसे ऐसा कुछ करूँ तो माफ करना. So this is Lakme Absolute Argan Oil Serum Foundation. Iski price is ₹800 for 15 ml of product. And isme aate hain 10 different shade. Mera shade hai isme 120 warm sand. Talking about the packaging, Lakme Absolute ki jo normal basic packaging hoti hai, वैसे ही इसकी outer packaging. But jo inner packaging है इसकी, ये काफी ज्यादा interesting है. इसकी inner packaging काफी luxurious है, आप देख सकते हो. ये आपको लगेगा जैसे कि glass bottle है, but ये actually glass bottle नहीं है. This is a plastic bottle. And इसके साथ ये pump आता है, जिससे foundation निकालना काफी easy हो जाता है, क्योंकि this is a serum foundation. तो जितना आपको product चाहिए आप उतना ही निकालोगे इससे. And काफी convenient रहता है. तो packaging overall मुझे इस product की बहुत ज्यादा अच्छी लगी. Now talking about the revolutionary part of this product is that इसमें स्किन केयर की भी प्रॉपर्टीज है. जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि दिस इज आर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन एंड इट कम्स विद एसपीएफ 45. इज़न्ट इट ग्रेट. इसके साथ आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट. एंड आर्गन ऑयल की प्रॉपर्टी है तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन केयर में भी ये हेल्प करता है. Now मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा. मैंने कुछ दिन से इसे यूज करना स्टार्ट किया एंड आई हैव रियली फॉलन इन लव विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत डिफरेंट है बाकी सारे फॉर्मूला से. आई मीन मैंने एक बार मैक का एक फाउंडेशन लगाया था जो इसी तरह का सीरम फाउंडेशन था एंड आई रियली यूज टू लव दैट प्रोडक्ट, मगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी. इट वॉज अराउंड 3000 प्लस एंड इसकी प्राइस है ₹800. तो कहीं भी प्राइस वाइज तो दोनों सेम नहीं है, बट फॉर्मूला वाइज काफी सेम है. ये बहुत ही सिमिलर है. मैं आपको यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो उस प्रोडक्ट का जो मैक का था, उसका एंड इसका फॉर्मूला Lakme का काफी ज्यादा सिमिलर है एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. अभी मैं आपको इसे अपने स्किन पे लगा के दिखाऊंगी. गैस क्योंकि ये एक सीरम फाउंडेशन है, इसकी कंसिस्टेंसी भी उसी तरीके की है, काफी लिक्विडी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है. एंड जहां तक फ्रेग्रेंस की बात है, थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है इसमें. लाइक अगर आप आर्गन ऑयल अगर आपने कभी यूज किया है तो अगर उसका हल्का सा जो स्वीट काइंड ऑफ जो फ्रेग्रेंस होता है ना, वो इसके अंदर है, जो कि ज्यादा बॉदर नहीं करता है. ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है. इस फाउंडेशन की स्टेइंग पावर काफी ज्यादा अच्छी है. अभी आप जो देख रहे हो मेरे फेस पे, मैंने ये फाउंडेशन ही लगाया हुआ है एंड मैंने लगाया था मॉर्निंग में कुछ आई गेस 10-11 बजे एंड अभी बज रहे हैं 4. तो इतने टाइम तक ये मेरे फेस में बिल्कुल इंटैक्ट है. इसके बीच मैंने अपना लंच भी करा एंड एवरीथिंग, बट ये बिल्कुल भी केकी या फिर ऐसा यू नो मेकअप काइंड ऑफ नहीं लगता है. सबसे अच्छी बात है कि नो मेकअप काइंड ऑफ लुक देता है, बहुत ही फ्लॉलेस काइंड ऑफ फिनिश देता है ये आपके स्किन को. बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि इसमें आर्गन ऑयल है तो ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है. गाइस मेरी खुद टी जोन ऑयली है एंड मुझे बिल्कुल भी ऐसा स्वेटी या ऑयली काइंड ऑफ फील नहीं आए. इसका फॉर्मूला काफी सैटनी सिल्की काइंड ऑफ है, जो कि बेस्ट पार्ट है इस प्रोडक्ट का. एंड जहां तक ब्लेंड करने की बात है, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है. अभी मैं जब आपको लगा के दिखाऊंगी इसे तो आपको समझ में आएगा. एंड हर कुछ मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा लगा. बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे कोई फाउंडेशन अच्छा लगता है. यू नो फाउंडेशन एक ऐसी चीज है जो कि मेन पार्ट होता है मेकअप का, जिससे आपका स्किन फ्लॉलेस लगता है एंड यू नो यू लुक हेल्दी एंड एवरीथिंग. तो फाउंडेशन मुझे बहुत कम ही अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी मुझे कोई फाउंडेशन इंप्रेस नहीं करता. बट दिस फाउंडेशन इज रियली वेरी इंप्रेसिव. मैंने जब से इसे यूज किया मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. एवरीडे बेसिस पे आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि अच्छी बात यह है ना कि इसे लगाने के बाद मेकअप वाली फील नहीं आती. ऐसा नहीं लगता कि बहुत हैवी कुछ आपके फेस पे लगाया हुआ है. इट्स लाइक बीबी क्रीम जैसे आप लगाते हो, वैसा काइंड ऑफ फील देगा आपको आपके स्किन पे. बट आपके इम्परफेक्शंस को ये हाइड करने में हेल्प करता है. बहुत ही फुल कवरेज नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि सीरम फाउंडेशन है तो अगर आपके थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं तो वो उसे हाइड कर देता है. बट अगर आपके बहुत ही विजिबल डार्क सर्कल्स है ऐसा कुछ, तो आपको इसके ऊपर फिर कंसीलर लगाने की जरूरत पड़ेगी. बट अगर आप एवरीडे के लिए कोई फाउंडेशन अपने लिए चुनना चाहते हो तो दिस इज द फाउंडेशन फॉर यू गाइस. ऑल्सो इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसे लगाने के बाद कोई व्हाइट कास्ट या लाइन ऐसा नहीं छोड़ता है स्किन पे. मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ कि 5 घंटे के बाद भी ये मेरे फेस पे किसी भी तरह का व्हाइट कास्ट या कुछ नहीं छोड़ता. तो थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ. ऑल्सो आई एम सॉरी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. सो या
सो एवरी डे नो मेकअप मेकअप लुक के लिए ये सीरम फाउंडेशन बहुत परफेक्ट है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब मैं आपको इसे अपनी स्किन पे लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से दिखे कि ये मेरे बेयर स्किन पे कैसा लुक देता है। सो दिस इज माई बेयर स्किन। अभी मैंने अपने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है, बस मॉइस्चराइजर लगाया है जो कि मैं हमेशा लगाना पसंद करती हूँ। किसी भी फाउंडेशन को लगाने से पहले मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाया करें ताकि उससे और भी अच्छा बेस बनता है, बहुत ही फ्लॉलेस लुक आता है। सो आप देख सकते हो कि इसका जो पम्प फॉर्म है इसके थ्रू मैं लगा रही हूँ अपने स्किन पे। आप चाहे तो अपने हाथों में भी लेके लगा सकते हो, हाथों में ड्रॉप करने के बाद लगा सकते हो, बट आज मैंने थोड़ा सा थोड़ा एस्थेटिक काइंड ऑफ डायरेक्टली ऐसे सिरम काइंड ऑफ लगाने की कोशिश की क्योंकि इट इज़ अ सिरम फाउंडेशन। आप देख सकते हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी वाटरी है, बहुत ही लिक्विड काइंड ऑफ है। सो अपने फेस के एक तरफ मैं स्पॉन्ज की हेल्प से लगाऊंगी, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाऊंगी, एंड दूसरी तरफ मैं अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करूंगी इसे ब्लेंड करने के लिए क्योंकि ये एक सीरम फाउंडेशन है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है विथ और विदाउट एनी ब्रश और ब्लेंडर। सो एक साइड आप देख सकते हो कि ब्लेंडर की हेल्प से तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है, बिल्कुल इट्स लाइक वाटर। एंड अगर आपने सिरम यूज़ किया है तो बिल्कुल बहुत ही इनफैक्ट बीबी क्रीम भी अगर आप यूज़ करोगे तो इससे ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ता है उसको। ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लॉलेस लुक दे रहा है एंड ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कुछ हैवी सा मेकअप किया है, बहुत ही नो मेकअप काइंड ऑफ लुक दे रहा है। तो एक तरफ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया एंड दूसरी तरफ अब मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। Now guys, I like to apply my foundation with my hands. I know कि बहुत लोग ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रशेज के थ्रू ही लगाना पसंद करते हैं, बट मुझे अपने फिंगर्स से फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जब कोई फाउंडेशन इस कैटेगरी में अगर फुलफ़िल कर जाता है कि फिंगर्स की हेल्प से अगर ब्लेंड हो जाता है तो वो फाउंडेशन मेरा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है, मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो ये फाउंडेशन फिंगर्स की भी हेल्प से उतनी ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है एंड आप देख सकते हो कि कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट अगर आप चाहे तो कंसीलर यूज़ कर सकते हो अपने डार्क सर्कल्स अगर है आपके या फिर कोई पिगमेंटेशन है तो उसे हाइड करने के लिए, एंड आप इसे कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट भी कर सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मुझे ये जो ड्यूई लुक है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर की हेल्प से सेट नहीं करती हूँ। सो आप देख सकते हो कि बहुत ही ड्यूई एंड फ्लॉलेस काइंड ऑफ लुक दे रहा है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी तरफ से ये फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको जरूर इसे ट्राई करना चाहिए। सो गाइस, दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑन लैक्मे एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नायका पे, अमेजन पे, मिंत्रा पे, हर जगह ये इजिली अवेलेबल है डिस्काउंट पे, सो आप जरूर वहां पे चेक करना। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।